आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज का जो हमारा मौजू है वो है एम्प्लॉज़ राइट्स एंड ट्रेड यूनियनिज्म, यानी J&K के चेंज्ड पॉलिटिकल सेटअप में बहुत सारे लोगों को ये खदशात हैं कि एज़ फार एज़ ट्रेड यूनियंस आर कंसर्न, जिनको हम मुलाजिम यूनियंस वगैरह भी कहते हैं, तो उनकी क्या नौईयत है और वो किस हद तक मुलाजमों के जो हकूक़ है उनकी उनके लिए लड़ सकते हैं या उनकी एडवोकेसी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हमने दो गेस्ट को मदु किया है, दोनों ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं। एक का ताल्लुक है फूड सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजाज अहमद खान साहब की, जो मेरे बिल्कुल बाई हाथ की जाने बैठे हुए हैं, और इनके साथ बैठे हुए हैं जनाब इश्तियाक अहमद बेग साहब, जो कि सिकिम्स नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन के सरबराह है। तो इन दोनों हजरात से, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि नए सेटअप में क्या नवीयत है ट्रेड यूनियंस की और ट्रेड यूनियनिज्म की। जी खान साहब, आपसे शुरू करते हैं। तो बहुत सारे खदशात हैं क्योंकि हम एक रीऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप में अब रह रहे हैं, तो इस वक्त क्या हालत है जो मुख्तलिफ मुलाजिम यूनियंस हैं मुख्तलिफ महकमों की, क्या वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं NDT कश्मीरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमारी बात रखने का मौका दिया। जहाँ तक हम बात करेंगे कि पहले हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब हम यूनियन टेरिटरी में आ गए जी। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक आइन बनाया है, उस आइन के हसूल के लिहाज से और आइन की पासदारी और बालादस्ती के हिसाब से जो राइट्स हमें अपनी स्टेट में थे वो आज भी महफूज है जी। जिस तरह ट्रेड यूनियन तंजीमें पहले रियासत में काम करती थी, आज भी यूनियन टेरिटरी में उसी हिसाब से काम करती है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई फर्क नहीं आया जी। और हमारी जितनी भी ट्रेड यूनियन जितने महकमों के हैं वो ठीक ढंग से अपने अपने तरीके से अपने अपने महकमों के कामकाज को देख रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। जो हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक पिछले कई सालों में हमने देखा था, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त 2019 से पहले की, कि एक कन्फ्रंटेशनल सा माहौल होता था हुकूमत और ट्रेड यूनियंस के दरमियान। आज के हालात कैसे हैं? बेसिकली वो जो 90s की बात कर रहे हैं आप, पहले तो मुलाजमीन के बहुत बड़े बिग इश्यूज थे जी, लेकिन आज के टाइम में हमारे उतने बड़े कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमारा जो 7वां पे कमीशन था जो मरकजी मुलाजमीन को भी हमको भी दिया जी। अब आज इतने बड़े इश्यूज नहीं है, इश्यूज है हर महकमे के अपने अपने इश्यूज है जी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्क कल्चर को बेहतर करने के लिए सरकार को करनी चाहिए और मुलाजमीन के मसाइल को देखना चाहिए। वो छोटे छोटे मसाइल हैं, वो इतने बड़े मसाइल नहीं है, ना उसमें ज्यादा पैसा सरकार का खर्च आएगा। आज के जो हमारी यूनियन टेरिटरी में है कि हम सारे मुलाजमीन जितने भी है जम्मू कश्मीर की, कि हम तनख्वाह लेते हैं सरकारी खजाने से, इसलिए कि हम अवामुल नास की खदमत करें जी। उस हवाले से सारे मुलाजिम तकरीबन मैं 99% लोग मुलाजमीन बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं जी। ट्रेड यूनियन और सरकार के दरमियान जो ट्रेड यूनियन का बेसिकली फंडामेंटल है कि ट्रेड यूनियन और सरकार, मुलाजमीन और सरकार के दरमियान ट्रेड यूनियन तंजीमें पुल का काम करती है जी। हम जितने भी मसाइल होते हैं डायरेक्टली, आपको पता है कि ये कमजोरों की आवाज है ट्रेड यूनियन, जो बोल नहीं पाते हैं अफसरों के सामने या कह नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ट्रेड यूनियन का ये काम है कि जो भी उनके छोटे या बड़े मसाइल हो हम वो अपने महकमे के सरबराह तक या हुकूमत वक्त तक पहुंचाते हैं। तो आज के डेट में हमारा कोई ऐसा बिग इशू नहीं है। आज के है कुछ इशूज है, लेकिन जो डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के, ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इशूज है। आज के डेट में हमारा एक इशू बड़ा है उसकी तरफ हम थोड़ी देर में आएंगे। मैं पहले मैं तमहीदी कलमात बेग साहब से लेना चाहूंगा कि बेग साहब इसी चीज को कैसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले नाजरीन डीडी कशिर, आप रोज साहब, आपका मैं आदाब करता हूँ जी। आदाब।
ट्रेड यूनियन बेसिकली काम आइन में एक हक दिया गया है सभी रियासतों को, इसी तरह यूनियन टेरिटरी जो भी भारत की रियासतों के जो बाकी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें सभी को यह हक है कि वो अपनी आवाज और आइन ने इसका तहफुज भी किया है जी, जी। इसी तरह से हम अपने मसाइल जो पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है रोजमर्रा के मसाइल होते हैं उन पे सरकार के नोटिस में लाते हैं। जैसा कि एजाज साहब ने आपको कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा मसाइल नहीं है क्योंकि सबसे अहम मसला भी रियासत में जो दरपेश मुलाजमीन को वो अफराजी कुवत का मसला है। कई डिपार्टमेंटों से पिछले दहाइयों से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है जिससे वर्क कल्चर सफर हो रहा है जी। आपके माध्यम से मैं रियासती गवर्नर से इल्तिमास करूंगा कि वो जंगी बुनियादों पर जहां पर भी खाली पड़ी असामियां हैं वो उनको पूरी करे जी। जी खान साहब, एक चीज़ तो ये हो गई है रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कि अब मोरलेस हमारे जो यूटी के मुलाजमीन हैं वो भी एट पार आ गए हैं विद द सेंट्रल एम्प्लॉयज़ बिकॉज नाउ वी आर ए डायरेक्टली सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। तो उससे क्या मुलाजमों को फ़ायदा नहीं हुआ है? बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो हमें स्टेट में नहीं मिलते थे, जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो उसमें बहुत सारे हमें फ़ायदे भी मिले जी। इसके अपने फायदे हैं, जब आप मरकज़ के ज़ेर इतने आप डायरेक्ट रहोगे तो उसमें बहुत फ़ायदे हैं जी। तो इस हिसाब से हमें भी, जैसे कि हमारे बच्चों के लिए हमें फीस पहले सरकार से नहीं मिलती थी, आज हमें मिलती है जी। हम अपने बच्चों की फीस निकाल सकते हैं, या हम पहले स्टेट जब हमारी थी बहुत अरसे से हम मेडिक क्लेम के बारे में करते थे, आज मेडिक क्लेम हर साल लागू होती है हम पे। यानी जो भी हमारे मुलाजमीन के मसाइल है जो है उनमें से बहुत हद तक सरकार उस पर नज़र करती है और वो हमारे मसाइल को हल करते हैं। यानी एक ज़माने तक जो बहुत बड़े बड़े मसाइल थे जिसे मुलाजिम जूझ रहे थे और जो अक्सर रीज़न बनते थे कन्फ्रंटेशन का बिटवीन डिफरेंट ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट, अब वो नहीं है, आज की डेट में वो नहीं है। अनूप साहब देखिए कि आज के दौर में वो मसला हमारा नहीं है जो हमारे बिग इशूज़ है, लेकिन आज के दौर में एक हमारा सबसे बड़ा मसला है जो बर्निंग इशू है, हमारे 61,000 जो कैजुअल डिलीवेजर्स है, मुख्तलिफ सरकारी महकमे ज़बरदस्त मेहनत से काम करते हैं, चाहे बिजली डिपार्टमेंट के हैं, PHA के हैं, हमारे फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, फ्लोरिकल्चर, बहुत सारे महकमे के मुलाजमीन हैं, डिलीवेजर्स हैं, अर्जी मुलाजमीन हैं। सरकार को चाहिए कि अवलिन फुर्सत में उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए क्योंकि वो बहुत मेहनत और लगन के साथ आवाम की खदमत कर रहे हैं। आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो क्या मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस और सरकार के दरमियान इस ज़मन में किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या है तो किस हद तक वो पहुंचा है एंड क्या रिस्पॉन्स है आज की? हाल ही में जो हमारा बजट 21-22 का हुआ है, शायद उसमें सरकार ने है रखा है कुछ पैसे जिसमें वो डिलीवेजरों के लिए शायद मुस्तकिली के अहकाम, हमें उम्मीद है कि सरकार वो करने जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हो क्योंकि यही एक इशू बड़ा है इस वक्त स्टेट में जी। एक तरफ से सरकार कहती है कि वर्क कल्चर को बेहतर करना है जी। हम उसके साथ हैं, वर्क कल्चर को किसी भी हद तक कामयाब करना है, वर्क कल्चर को बेहतर बनाना है, करप्शन से पाक हमने अपनी यूनियन टेरिटरी को बनाना है। तो उसमें एक ये बाधा आ रही है कि आप देखिए कि एक मुलाजिम जो ड्यूटी जाएगा शाम को, फर्स्ट तारीख को उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, वो बेचारा टेंशन में रहता है और फुल स्पीड में फुल स्विंग में वो लोगों की खदमत उस तरह से नहीं कर सकता है। तो मेरी अदमन यही गुजारिश रहेगी LG इंतजामिया से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि उन बेचारे जो 61,000 हमारे डिलीवेजर्स है या हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में या मेहनत कश है, उनको फर्स्ट बुनियादों पर उनको रेगुलराइज किया जाए जी। जी बेग साहब, आपकी तरफ आते हैं कि एक बहुत जो आम इंसानों को एक सबसे बड़ा ग्रीवेंस भी कह सकते हैं या उनका एक जो ओपिनियन है ट्रेड यूनियंस के मुतल्लिक वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग फॉर मुलाजिम के जो हकूक हैं उसमें तो आप पेश होंगे ही होंगे, लेकिन जहां तक अवाम के हकूक का ताल्लुक है और जब यही हकूक उन्हीं मुलाजमों के वजह से सलब होते हैं तो उसमें आप यू शुड हैव बीन साइडिंग विद द अवाम, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और पर्टिकुलरली अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने आपके किसी मुलाजिम के साथ, किसी अटेंडेंट ने, किसी पेशेंट ने बदतमीजी कर दी तो उस वक्त तो आप अपने मुलाजिम के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब आपका मुलाजिम सही तरीके से एक पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को ट्रीट नहीं करता है तो ऐसे तो बहुत कम वाकात मिलेंगे जहां पर कोई ट्रेड यूनियन जो है वो उन लोगों के साथ जहां पर वो विक्टिम है कॉमनर उसके साथ खड़ा हो।
देखिए रूफ साहब, क्योंकि रियासती मुलाजिम जो है वो सरकार का एक अहम हिस्सा है ऑब्वियसली, और सरकार रियासती मुलाजिम के बल पे चलती है जी बिल्कुल। क्योंकि अस्पतालों की बात आप कर रहे हैं कि चूंकि आप देख रहे हैं पिछले दो साल से जो COVID-19 का दौर रहा है रियासती मुल्क की सतह पर भी जो हेल्थ मुलाजमीन मेडिकल और पैरामेडिकल मुलाजमीन ने जो खदमात आवाम दी वो सराहनीय है, जबकि इसकी सराहना खुद वजीर आजम और सब करते हैं, सबको करना चाहिए। कहीं कहीं भी कुबार एक कुछ ना कुछ कुबार वो वाका रोनम होते हैं, लेकिन हम उस टाइम टाइम भी पेशेंट के साथ ही होते हैं, लेकिन वह कभी थोड़ा क्योंकि बाहरी रश होता है, आप भी देख रहे हैं। मेरे अपनी मेडिकल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की बात मैं करूं तो राज बहुत रहता है, बहुत ज्यादा रहता और है। स्टाफ की जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि अफरादी कुवत की बहुत ज्यादा किल्लत है, पिछले कई सालों से नई रिक्रूटमेंट नहीं है जिससे ये मसाइल रोज बरोज इनमें इजाफा होता है जी। सरकार अगर इस मसले पे की तरफ ध्यान दे तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा। तो सिक्किम का जहां तक ताल्लुक है वो तो एक मोरलिस्टिक सेमी ऑटोनोमस सा इंस्टीट्यूशन है, तो क्या आपकी मैनेजमेंट के साथ बात नहीं होती है इस में? मैनेजमेंट के साथ पिछले कई सालों से हमने बात उठाई, लेकिन शायद उनकी नहीं चलती है आगे एलजी इंतजामिया में तो जी। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला हमारे दरपेश है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में, साथ साथ रियासत में भी एक बहुत बड़ा मसला है जी। जी खान साहब आपकी तरफ आऊंगा, एक हमारे यहाँ पे एक लॉ है जिसको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कहते हैं, यानी उसके तहत मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं उनको किसी खास टाइम फ्रेम में लोगों तक दस्तियाब कराना होता है। मान लीजिए कि मैं आपके महकमे में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ, अब ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के जुमरे में आता है और इसके लिए एक टाइम फ्रेम फिक्स्ड है कि इस टाइम फ्रेम में आपको ये काम करना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें एक बात है कि सबसे पहले मैं इसमें सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस मुलाजमीन को जवाबदेह बनाया है। आजकल पहले जमाने की तरह फाइलिंग नहीं, आज ई फाइलिंग हो रही है जी। और एक लिमिट के तहत हर फाइल को आपको करना ही करना है जी। और उसको स्टेटस किसी भी वक्त आपसे मांगा जाएगा कि आप बताइए इस चीज का स्टेटस क्या है। तो ये जो सरकार करने जा रही है, हमने हमेशा मैं यही बात अब एक बार फिर दोहराऊंगा कि हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद तनख्वाह हासिल करने के लिए या डीए हासिल करने के लिए नहीं करते हैं जी। हमारा ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारा ट्रेड यूनियन का फंडा ये है कि सबसे पहले जो हमें तनख्वाह मिलती है उसके लिए हमने काम करना है, हमें तनख्वाह मिलती है लोगों की खिदमत करने के लिए, और जो हम पूरी तरह से ईमानदारी से जो हमने करनी है जी। और अगर कहीं कोताही हमको दिख रही है कि किसी जगह से कोई शिकायत आती है, हमने हमेशा अपने मुलाजमी पे ये जोर दिया है कि वर्क कल्चर के साथ हम कोई मफामत नहीं करेंगे, हम आपके मसाइल सरकार के साथ उठाएंगे, लेकिन काम चोरी रिश्वतखोरी और गैर जरूरी तफावत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आए रोज हम ऐसे सेमिनार्स भी करते हैं, अपने मुलाजमीन को समझाते भी है कि इस तरह से काम करना है, जब हम क्योंकि आम मुलाजिम को तो बड़े किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाना नहीं होता है, जवाब तलबी तो लीडर की होती है, तंजीम के बाकी लीडरों की होती है, वहां उनसे पूछा जाता है कि आपके महकमे ने क्या किया, आप क्या काम करते हो। तो इस हवाले से हमारी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से जिम्मेदार है और हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और हम कम अज कम लोगों को शिकायत का मौका ज्यादा से ज्यादा नहीं देते हैं। हमने सिर्फ यही अपना फंडा बनाया है कि लोगों की खदमत 100% हो। बट ये तो सही है, बट थ्योरेटिकली ये सारी चीजें होनी तो चाहिए थी, बट प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिकॉज हम सब इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, कि जब भी किसी आम इंसान को, आम साहिल को किसी दफ्तर के साथ जूझना पड़ता है तो बहुत 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 ज्यादा उनके साथ ज्यादतियां होती हैं। यानी जिसके लिए, जिस काम के लिए जो बंदा बैठा है टेबल के इस पार बैठा है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ जाता है कि वो ये जो टेबल के उस पार वाला बंदा है उसको वो मतलब उसके हुकूक समझने के लिए वो तैयार ही नहीं। रूफ साहब इसमें मैं एक बात कहूंगा आपसे, सबसे पहले मैंने जो बोला कि हमारी यूनियन टेरिटरी में बहुत से ऐसे कानून आए कि जो 100% आवाम के हक में जा रहे हैं जी, और इस हिसाब से हर महकमे में अपनी ग्रीवेंस सेल बनाई गई है जी। अगर आपको कोई मुलाजिम आपका काम वक्त पे नहीं करता है तो आपने उस मुलाजिम आपको उस ग्रीवेंस सेल में उस मुलाजिम के खिलाफ या अपनी जो आपकी कंप्लेंट है वो दर्ज करानी है जी। तो वो मुझे लगता है कि आज के हमारे जो आम जितने भी डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि तकरीबन एक दो दिन में वो ग्रीवेंस सेल हो जाती है, क्योंकि और बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है, ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। दूसरा जो आज अहम सरकार ने इकदाम उठाया, जिसका डॉक्टर मेहता चीफ सेक्रेटरी साहब ने परसों ऐलान किया है कि मुलाजिम को बताना होगा कि मैंने महीने में कौन से काम किए और क्या किए, वो भी बहुत अच्छी बात की है सरकार ने, हम उसके साथ हैं, क्योंकि इससे मुलाजिम को लगेगा कि अगर मैं 40-50 हजार 60 हजार 70 हजार खजाने से ले रहा हूं तो मुझे इसका काम भी करना है। इसमें हम 100% सरकार के साथ हैं और जहां भी शफाफियत हो उसमें हम सरकार का साथ देंगे ही देंगे। जी, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, उसका एक बहुत बड़ा जो थ्रस्ट एरिया है वो है इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो एज फार एज बेग साहब आपकी तरफ में मेरा सवाल है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मान लीजिए स्किम्स को ही ले लेते, वहां पे तो जितनी भी सर्विसेज स्किम्स प्रोवाइड करता वो सब पब्लिक सर्विस की ही है, तो क्या आपको लगता है कि देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट इन डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी? बहुत सुधार आया है और वक्त आने के साथ साथ जब आप, मैंने जैसे आप कहा अफराधी को जब पूरा होगा तो इसमें और मजीद बेहतरी करने की गुंजाइश भी है। जी, अब ये तो बिल्कुल आप सही कहते हैं कि पर्टिकुलरली सिक्किम्स का जहां तक ताल्लुक है तो जिस किस्म के रश को झेलता है एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन टर्सरी, हालांकि एज ए टर्सरी केयर हॉस्पिटल शायद वहां पे इतना ज्यादा रश नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी मतलब किसी भी टाइम पे अगर हम सिक्किम्स पे चले जाए पर्टिकुलरली ओपीडी वगैरह में अगर जाया जाए तो वहां पे देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी कतारें होती हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जितनी भी आपके पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन थोड़ा बहुत इसी की रैशनिंग करके इस तरीके से इसको किया जाता ताकि लोगों को कम से कम उन लंबी लंबी कतारों में वेट करके अपनी बारी का इंतजार करना पड़े। हाल ही में जब से नए डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कौल ने चार्ज संभाला है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरशिप का, तो उन्होंने एक और सीनियर सिटीजन के लिए एक और काउंटर खोला है जहां पर सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही कार्ड और फीस पेमेंट के लिए, वहां एक अलग उससे थोड़ा सा बेहतर आएगा हालात। जी, और एक और चीज जो है जो पर्टिकुलरली सिक्किम्स में मेरा जाती मुशाहिदा भी है एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे नाज़रीन मेरे साथ एग्री भी करेंगे, वो ये है कि एक अगर बाहर के महकमों में हम जाते हैं, पर्टिकुलर मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करता हूँ, वहां पर अगर आप किसी जगह पर भी जाएं और अगर वो बंदा आपका काम नहीं कर सकता लेकिन उस बंदे में इतनी इंकसारी होती है कि वो गाइड करता है कि नहीं आपका जो काम है मेरे पास नहीं होना है, ये आपका जो काम है उस जगह पर होगा, उस टेबल पे होगा, उस काउंटर पे होगा, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। बुनियादी तौर पर जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का इदारा है ये एक रेफरल इंस्टीट्यूशन था जी, क्योंकि रियासत में खासकर कश्मीर की बात अगर हम करें जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हॉस्पिटल है उसमें उतनी फंक्शनल नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को वो शिफ्ट करते हैं जी, इससे जो काम बढ़ता है वर्कलोड बढ़ता है और जो असल पेशेंट होते हैं जिनके लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया गया था जी टेरिशरी केयर हॉस्पिटल, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो रश ज्यादा होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है इतनी, इस वजह से रश थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी खान साहब, अगर आपकी तरफ आएंगे, एक और जो थ्रस्ट एरिया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये है कि देयर हैज टू बी जीरो, इनफैक्ट देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और करप्शन के खात्मे के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए भी जा चुके हैं, उसमें बहुत सारे मुलाजमों को ले ऑफ भी किया जा रहा है, तो उसमें उस चीज को आपकी जो ट्रेड यूनियंस है वो किस तौर से देखती हैं? इस हवाले से जना मैं एक बात कहूंगा कि जैसे मैं फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट में अपनी यूनियन का प्रेसिडेंट हूं जी, इसी तरह से मैं एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी का चेयरमैन है जिसमें बहुत सारे महकमे आते हैं और बहुत सारे महकमों के प्रेसिडेंट होते हैं। हाल ही में हमने एक मीटिंग की, मीटिंग हमारी मरकजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में हुई, तो हमने डायरेक्टली और प्रेस में भी कहा है कि करप्शन जो भी मुलाजिम करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी, वर्क कल्चर को फरोग देना है, करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी जी, जो करप्ट इंसान होगा हम उसकी हिमायत में खड़े नहीं होंगे जी, लेकिन उसमें भी एक बात है कि अगर किसी को हम मान के कि करप्शन कोई करता है, कोई मांगता है कि मुझे पैसे दे दो मैं आपका ये काम करें, तो उसको तो सरकार निकाल ही निकाल दे, हम उसके हक में है कि ऐसे लोगों को मुलाजमत का कोई हक नहीं है जी, क्योंकि एक तो ये जहां मैं एक मुसलमान हूं रिश्वत देना भी गुनाह है, रिश्वत लेना भी गुनाह है, जो अच्छी सोसाइटीज है उसमें इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ ये तो इट इज नॉट एन इस्लाम स्पेसिफिक थिंग बल्कि हर एक जो मजहब है, हाँ। तो इस हवाले से हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार के इकदाम हैं हम 100% उसकी हिमायत में खड़े हैं और हमने वजीरिया प्रेस भी दिया है
जैसे कि आज तक आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कहा है कि ऐसे मुलाजिम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो करप्शन में मुलवस पाया जाए। इसी तरह से सर्विस रूल जो होते हैं, जब कोई मुलाजिम किसी महकमे में आ जाता है, मुलाजिम हो जाता है, तो फिर वो जो पर्सन होता है ही और शी इज़ बाउंड बाई सर्टन सर्विस रूल्स, जिसमें पॉलिटिक्स तो अलाउड है बट देयर आर ऑल, जिसको हम कह सकते हैं देयर आर लिमिट्स टू दैट पॉलिटिकल मेडलिंग आल्सो। तो इसी पॉलिटिकल मेडलिंग के हवाले से भी बहुत सारे मुलाजमीन पे जो सरकार का है नज़ला टूटा है, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस, तो ये भी एक और इशू है। उसमें मैं यही कहूँगा कि जो भी सरकारी मुलाजिम है उसको गैर सियासी होना चाहिए जी, कि हमारी कोई सियासत नहीं, हम बजाय खुद सरकार है, मुलाजिम सरकार ही होती है क्योंकि सरकार किसी और चीज का नाम सरकार हैज़ टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। तो हमें इस नॉन पार्टिज़न कोई मुलाजिम मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में, पहले हुआ होगा कुछ हमारे लीडर्स रिटायर हुए फिर वो सियासत में चले गए, रिटायरमेंट के बाद उनका हक बनता है, लेकिन जो सर्विस में है जो सर्विस इस वक्त करते हैं उनको किसी भी सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो हम उसके साथ हैं और ना हम ऐसे करेंगे ना आगे किसी को करने देंगे। लेकिन कुछ इश्यूज है, मैं आपको यहां से बताऊंगा कि आज जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बड़े इश्यूज नहीं है जी। सरकार ने जो बड़े इश्यूज थे वो हल कर दिए। आज के हमारे इश्यूज ये है कि अगर कहीं आपको लगता है कि काम सही ढंग से नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ खामियां है। खामी इस तरह है कि हमारे महकमों को रिऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो 1947 से आज उन्हीं के रूल्स हैं, वही रिक्रूटमेंट रूल्स हैं तकरीबन 40 साल 50 साल। हम फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ये ऐसे खास महकमे हैं जिनको रिऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत है। जब आपका जैसे इश्तियाक साहब अभी कह रहे हैं कि मैन पावर की कमी है, जब आप महकमे रिऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि 100% डिपार्टमेंट के काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सरकार को अवलीन फुर्सत में हर सरकारी महकमे को रिऑर्गेनाइज कराने की जरूरत है, क्योंकि आप देख लीजिए पहला हमारा शहर कितना छोटा था जी। रामबाग से हवल तक, आज देखिए श्रीनगर कहां से कहां पहुंच गई, हमारी रियासत कहां से कहां पहुंच गई, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही, महकमों के कामकाज पर भी असर पड़ता है। जितने हमारे मुलाजिम पहले बिजली डिपार्टमेंट थे या आरटीसी डिपार्टमेंट थे, आज बहुत काम बढ़ गया है। तो जरूरत है कि हर महकमे को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, ताकि जो लोगों की ग्रीवेंस है कि काम सही वक्त पे नहीं हो रहा, वो उस मसले का वही हल है कि हर महकमे को रिऑर्गेनाइज किया जाए। रिऑर्गेनाइजेशन तो एक तो है कि इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं जी, बट एट द सेम टाइम जो रिऑर्गेनाइजेशन हो रही है इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन, कि अब जो सर्विसेज हैं वो पेपर का जो अमल दखल है कम किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्विस को एक डिजिटल फॉर्मेट में लाया जा रहा है ताकि एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन रूप साहब आपको पता है कंप्यूटर चलाने के लिए आपको आदमी चाहिए ही चाहिए, कंप्यूटर खुद कैसे चलेगा जी। मैं इसलिए कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में आप मान के चले कि हमारे डिपार्टमेंट में स्टोर के हमारे 100 के करीब राशन कार्ड में मिसाल बोलता है, ऐसा नहीं है तो उसके लिए चलाने के लिए 300 आदमियों की जरूरत है। एक स्टोर कीपर होना चाहिए, एक कंडा मैन होना चाहिए, एक वॉचमैन होना चाहिए, ताकि वर्क कल्चर एक ही, हमारा स्टोर कीपर तीन काम खुद ही करता है, वॉचमैन भी खुद है, कंडा मैन भी खुद है, उसको POS मशीन भी खुद चलानी है सारे काम, उसमें थोड़ा सा वर्क कल्चर में फर्क पड़ता है। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है मुलाजमीन के हक में, लोगों के हक में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो होने भी चाहिए, क्योंकि हम भी, अगर मैं फूड सप्लाईज का मुलाजिम है दूसरी जगह मैं कंज्यूमर हूं, तो सरकार के जितने भी इकदाम हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अवलीन फुर्सत में बहुत सारे महकमे हैं जिनको रिऑर्गेनाइज कराने की जरूरत है, जिसमें फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फूड सप्लाईज बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और जो हमारे डिलीवेजर्स का मसला है सरकार को यह भी हल करना चाहिए, हमारी पे एनोमलीज का मसला है, तनख्वाहों की तफावत है, वो सरकार को दूर करनी चाहिए। ये छोटे छोटे मसाइल है, इसमें ज्यादा खर्चा भी सरकार का नहीं आएगा जी। जी इश्ताक साहब, जहाँ तक आपके सिम्स का, चूंकि एक बहुत बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में, तो अभी तक सबसे बड़ा है, अब जब सिकिम एम्स हमारा शुरू हो जाता है तब की बात शायद और हो, लेकिन आज की डेट में एक J&K का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है एज फार एज सिकिम्स इज कंसर्न, तो इसके क्या 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 चीज़ें आपको लगती हैं कि वहाँ पर होनी चाहिए बिसाइड्स ह्यूमन रिसोर्स ऑगमेंटेशन, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके? जदीद मशीनरी जो है, जो हाल ही में हमने जो पिछले साल ही कैंसर इंस्टीट्यूट का ही एक जो अलग से हमने सेटअप किया है जी, एक रीजनल कैंसर सेंटर बनाया है, कैंसर सेंटर हमने बनाया है। इस तरफ से अगर लिवर ट्रांसप्लांट का भी एक यूनिट वहाँ चालू होता है तो उससे रियासती जो लोग हमारे पेशेंट हैं वो
रियासत में अपना इलाज कराने हैं, उससे वो भी बचते हैं, उनका पैसा और वक्त भी बच जाता जी। बट अगेन मैं आऊँगा एज फार एज स्कीम्स इज कंसर्न, वहाँ पे थोड़ा बहुत खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ, सबसे खुले दूध को बंद कर, अब से चल रहा है खुला, कब से खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है, 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ, सबसे खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है। आपको भी ये काम करना पड़ेगा कि ताकि मुलाजमों में भी वहाँ पे एक इनकसारी जिस हद तक होनी चाहिए एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, शायद उस चीज़ का फुकदान है। आपको ये लग रहा होगा लेकिन मेरे ख्याल में मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो मेडिकल और पैरामेडिकल सब इंतहाई कुछ दिल्ली से अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं और किसी जगह काम भी हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन और मजीद बेहतरी करने की हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जी। एंड खान साहब, आपके लिए भी मतलब मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत हम अब बताएं कि क्या ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे आप खुद अपने मुलाजमों की काउंसलिंग वगैरह करते हो कि नहीं शायद ये बिहेवियर सही नहीं है, ऐसा है बिकॉज उनकी राइट्स के लिए, उनके हकूक के लिए एडवोकेसी करना तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो आम लोग हैं, आम साइल है, अवाम है, उनकी तरफदारी भी तो कोई करे। देखिए जनाब, मैं आपको ये बताऊं कि कल ही मैं अपने सेक्रेटरी साहब से मिला और अपने डायरेक्टर साहब से मिला, तो मैंने उनसे यही कहा कि जिस तरह विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम है कि वो देखे जी, हम आज खुद अपने डिपार्टमेंट में करेंगे, अपने मुलाजमों से हम मिलेंगे जी। तो मुझे इस बात के लिए मैं अपने सेक्रेटरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कहा कि आप जाइए, जो भी लोगों के हित के लिए अच्छा रहेगा मैं उसमें आपके साथ हूँ। हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, हर तहसील में जाते हैं, अपने मुलाजमीन से जब हम उनके हुकूक की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उनसे कहता हूं कि ये हुकूक हमें तब मिले जब हम लोगों की खिदमत करें। तो इसलिए हम, मुझे है कि ईमानन मैं कहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस पर बात करती है। मैं चोर को चोर कहूंगा, मैं नहीं डरता हूं कि कोई मेरे साथ चले या ना चले जी, क्योंकि दुनिया देखती है, मैं ही नहीं देखता। मैं अपनी आंखें बंद करके ये कहूं कि कोई मुझे नहीं देखता वो बेवकूफी की बात है। हमारा महकमा जो है, कल मैं अपने डायरेक्टर साहब से बात कर रहा, बहुत हद तक हमने अपने महकमे में सुधार लाया है, उसका सारा क्रेडिट हमारे एडवाइजर साहब को जाता है, कमिश्नर साहब को, डायरेक्टर साहब को, और सबसे ज्यादा हमारे मुलाजमीन को जाता है जिनने उनकी डायरेक्शन को पकड़ के अपने आप को चेंज किया। होती है, हमसे भी गलती होती है, हम फरिश्ते नहीं है, इंसान है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज हमसे अगर 3 गलती होती कल 2 ही होनी चाहिए, परसों 1 ही होनी चाहिए, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि कोई गलती हमसे हो ही ना। और दूसरा बात यह है कि हमारा डिपार्टमेंट जो पेट से जुड़ा हुआ है जी, जी। अगर आप देखिए, अगर आप साल भर लोगों की खदमत करेंगे, किसी एक दिन आप किसी एक शख्स को राशन फराहम नहीं करोगे तो ये प्रेस में आता है, मीडिया में आता है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि आपने देखा होगा, चाहे जम्मू कश्मीर की स्टेट हो या आज यूनियन टेरिटरी है, हालात तो आपने देखा होगा पिछले 30 सालों से कितने हालात खराब थे, लेकिन इन 30 सालों में हमने कभी किसी को न भूखा सोने दिया, न यहाँ कोई भुखमरी हुई। हाँ, तो यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में हमें अप्रिसिएशन दी, हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे काम की सराहना की कि किन हालात में, खतरनाक हालातों में भी हमने लोगों को भुखमरी नहीं होने दिया और सही ढंग से हमने काम। चले हम आपके ही इन आखिरी कलमात पे आज के इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दे दीजिए, खुदा हाफिज। We'll be right back.
आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का।